जहाँ एक चुड़ैल गांव के जानवर को पकड़कर अपने साथ जंगल में ले जाकर मारकर खा जाती थी। ऐसे ही रोज रोज करके कुछ दिन बीत गए। एक दिन टुड़ा अपने दोस्त के साथ देर रात जंगल से गुजर रहा था। आज तो बहुत लेट हो गई, बहुत अंधेरा हो गया है। कल ही काका ने बताया था जंगल में कोई चुड़ैल आ गई है और वो सभी पक्षियों की मांस खाती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, तुम बेकार की चिंता कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी चुड़ैल की इतनी मजार हमें मार कर खा जाए। तुम चिंता मत करो। बात करते करते अचानक उन दोनों की नजर उस चुड़ैल पर पड़ी जो सामने बैठकर बकरी को मारकर उसकी मांस खा रही थी। वो चुड़ैल दिखने में बहुत डरावनी थी। उसे देखकर टुना और उसके दोस्त बहुत डर जाते और वो दोनों वहाँ से जान बचा कर भाग जाते हैं। अगली सुबह जब वो दोनों बाजार जाते हैं तभी टुना अपने दोस्त से कहता है, मिट्टू काका ने बिल्कुल सही बताया था, हमारे गांव में एक चुड़ैल आ ही रही है जो सभी पक्षियों को मारकर उसकी मांस खा रही है। हम कब तक उस चुड़ैल से डर कर भागते रहेंगे? हमारे जंगल के पक्षियों ने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा? आखिर वो क्यों ऐसे कर रही है? ऐसा ही रहा तो हमारे जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों मिट्टू काका के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। काका आपने बिल्कुल सही बताया था, हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई है। कल हमने उस चुड़ैल को देखा, वो बकरी को मार कर उसकी मांस खा रही थी। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। काका टुने की बात सुनकर सोचने लग जाते हैं। एक दिन वो चुड़ैल आधी रात जंगल में मांस खा रही थी। अच्छा तुम ही वो जो जंगल के सारे पक्षियों को मार रही हो? हमारे जंगल के पक्षियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे जुबान लड़ा रहा है। काश तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। तभी वहाँ काका पहुँच जाते हैं और अपने साथ एक बड़ा सा जाल लेकर आते हैं। वो उस जाल में उस चुड़ैल को फंसा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने बिना वजह हमारे जंगल के पक्षियों की जान ली है। बुरा करने का बुरा ही होता है। ये कहकर काका उस चुड़ैल को आग लगाकर जला देते हैं और वो जलने लगती है। तो भी आप देख रहे हैं, सब परिंदों ने अपने लकड़ी के पक्के घर तैयार कर लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना पक्का घर तैयार नहीं किया। और इतनी सर्दी है, ना आपने सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया, ना ही मुझे पक्का घर बना कर दिया। सभी परिंदे बहुत सुकून से अपने लकड़ी के पक्के घरों में सर्दियों का मौसम एंजॉय कर रहे थे, जबकि कौवा और कबूतर सर्दी से कांप रहे थे। अजी मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, जाएं मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएं। अरे बबली बाहर बहुत ठंड है, मैं इतनी सर्दी में कैसे जाऊं खाना लेने के लिए? अरे तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? आपको कब से कह रही थी कि पक्का घर बना लें और राशन इकट्ठा कर लें सर्दियों के लिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब जाएं मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आएं। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं दूसरे परिंदों से कुछ मांग कर लेकर आता हूँ खाने के लिए। अजी इतनी सर्दी में कोई परिंदा हमें खाने को कुछ नहीं देगा, परिंदों ने बड़ी मेहनत से खाना इकट्ठा किया है, वो हमें क्यों देंगे भला? अरे कोई ना कोई तो खाने को कुछ दे ही देगा, मैं भी लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा दूसरे परिंदों से खाने को कुछ मांगने के लिए जाता है। पहले वो तोते के घर जाता है। अरे तोते भैया, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी बीवी भूखी है, खाने को कुछ दे दो प्लीज। अरे कौवे भैया, आपको नहीं पता था कि सर्दी आने वाली है,
सबने अपना अपना इंतजाम किया है, आपको भी अपना इंतजाम कर लेना चाहिए था। मेरे दीदी बच्चे क्या खाएंगे अगर मैं आपको खाना दे दूंगा तो? मैंने तो सर्दियों के हिसाब से राशन इकट्ठा किया था, अब मेरे पास इतना फालतू खाना नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। ये कहकर तोता इनकार कर देता है। फिर कौवा कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भैया, खाने को कुछ दे दो, मेरी दीदी को बहुत भूख लगी है और मुझे भी बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे कौवे भैया, आप तो जानते हैं कि कितनी मुश्किल से हम लोग राशन इकट्ठा करते हैं, आपका तो सभी को पता है, आप हर सर्दियों में ऐसा ही करते हैं। आपको अपने खाने के लिए जमा कर लेना चाहिए था खाना। अब हमने इतनी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा किया है, वो हम आपको थोड़ी दे देंगे। ये कहकर कबूतर भी इनकार कर देता है। फिर वो चीनू चिड़िया के पास जाता है। चीनू चिड़िया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है और सर्दी भी बहुत है, मेरे पास तो अपना पक्का घर भी नहीं है। अरे कौवे भैया, आपका तो हर सर्दियों में बस यही काम है, दूसरों से मांग मांग के खाते रहना। आप तो जानते हैं हम बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा करते हैं, अभी पूरी सर्दियां पड़ी हैं, अगर खाना बांटती रहूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा। अरे चीनू चिड़िया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, एक आखिरी घर तुम्हारा ही है, बाकी सबसे मांग चुका हूँ, किसी ने खाने को कुछ नहीं दिया। चले ठीक है कौवे भैया, मैं आपको खाने को कुछ दे देती हूँ, लेकिन ये आखिरी पाल है, इसके बाद मैं आपको खाने को कुछ नहीं दे सकूंगी। ये कहकर चीनू चिड़िया उसे खाने के लिए कुछ दे देती है। वो खाना लेकर अपनी बीवी के पास जाता है। ये देखो बबी, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आया, मैं ना कहता था परिंदे कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे देंगे। अरे वाह कालू जी, आप तो वाकई खाना ले आए। चलो अब जल्दी से आग जलाओ, हम उसके पास बैठकर मजे से खाना खाते हैं। बबी तब्बी आग जलाती है और वो उसके पास बैठकर मजे से खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन फिर से बबली को भूख लगी थी और कालू कौवे को भी भूख लगी थी। अरे कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आज तो कोई भी खाना नहीं देगा। अरे नहीं नहीं, परिंदे मेरी बहुत इज्जत करते हैं, देखना मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। ये कहकर कौवा फिर से खाना मांगने के लिए चला जाता है। वो हमेशा की तरह बारी बारी सबसे खाना मांगता है। इस बार चीनू चिड़िया भी खाना देने से इनकार कर देती है। अरे अब तो चीनू चिड़िया ने भी खाना नहीं दिया, और कोई परिंदा तो मुझे खाना देता ही नहीं, घर गया तो बबली भी मेरी बेइज्जती करेगी। मैं ऐसा करता हूँ, सब परिंदों का राशन चोरी कर लेता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा इंतजार में बैठ जाता है कि परिंदे अपने घरों से कहीं जाएं तो मैं उनका सारा खाना चोरी कर लूं। वो देखता है कि तोता अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहा है। कालू तोते के जाते ही उसका सारा खाना चोरी कर लेता है और अपनी बीवी बबली कौवे को दे देता है। अरे वाह कालू जी, आज तो आप बहुत ज्यादा खाना ले आए हैं, मैं तो आपको वैसे ही नजरअंदाज कर रही थी, वाकई परिंदे तो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, वरना इतना खाना कौन देता है। कालू कौवा अपनी बीवी को नहीं बताता कि वो खाना तोते के घर से चोरी करके लाया है। वो दोनों बैठकर मजे से खाना खा लेते हैं। इधर जब तोता अपने घर वापस आता है तो वो शोर मचा देता है। अरे अरे, मेरा खाना कौन उठा कर ले गया, मेरा सारे का सारा खाना चोरी हो गया। तोते के शोर की आवाज सुनकर बाकी परिंदे भी उसके पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ तोते भैया, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे इतनी मेहनत से सर्दियों के लिए राशन इकट्ठा किया था, लेकिन मेरा सारे का सारा खाना कोई चोरी करके ले गया, अब मैं अपने बीवी बच्चों को सर्दियों में क्या खिलाऊंगा, बाहर सर्दी भी इतनी है, अनाज ढूंढने के लिए जाना बहुत मुश्किल है।
अरे तोते भैया, ठीक से देखिए, आपके घर के अंदर ही होगा खाना। यहाँ तो कोई चोर नहीं है, कभी किसी के घर चोरी नहीं हुई। अरे नहीं चिड़िया बहन, मैंने पूरा घर छान मारा है लेकिन खाना कहीं नहीं मिल रहा, मेरा खाना चोरी हो गया है। तोते भैया आप परेशान ना हो, हम लोग खाना मिलकर खा लेंगे। मेरे पास भी बहुत खाना है और कबूतर के पास भी, हम थोड़ा थोड़ा आपको दे देंगे। तीनों की बात सुनकर तोते को कुछ तसल्ली होती है और वो तीनों अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो कालू कौवा और उसकी बीवी तोते का चुराया हुआ खाना खाते रहते हैं। जब वो खाना खत्म हो जाता है तो कालू सोचता है, इस बार कबूतर के घर से खाना चोरी करता हूँ। ये सोचकर वो कबूतर के घर के पीछे छुप जाता है। जैसे ही कबूतर अपने घर से निकल कर कहीं जाता है, वो उसके घर में से सारा खाना चोरी कर लेता है और फिर से अपनी बीवी बकरी कमी को दे देता है। कभी फिर से इतना खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे कालू जी, इस बार तो परिंदे बहुत ही मेहरबान हो गए हैं, इतना इतना ज्यादा खाना दे रहे हैं, हमारी तो मौज लग गई इस बार। वो दोनों मजे से खाना खाकर सो जाते हैं। इधर जब कबूतर अपने घर वापस आता है तो वो शोर मचा देता है, अरे मेरा खाना चोरी हो गया। कबूतर की आवाज सुन के चीनू चिड़िया और तोता भी आ जाते हैं। क्या हुआ कबूतर भैया, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे चीनू बहन, मेरा भी खाना चोरी हो गया। अरे कुछ दिन पहले तोते भैया का खाना चोरी हो गया और आज आपका चोरी हो गया, अब सिर्फ मेरा ही खाना बचा है। अगर मेरा खाना भी चोरी हो गया तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। हम लोगों को अब अपने घरों पर नजर रखनी पड़ेगी। जो भी चोर है अब वो मेरे घर से खाना चुराने की जरूर कोशिश करेगा। वैसे मुझे कालू कौवे पर शक हो रहा है, काफी दिनों से वो खाना मांगने के लिए नहीं आया, वरना तो वो सारी सर्दियाँ तंग ही करता रहता है। कभी किसी से खाना मांगता है तो कभी किसी से, लेकिन अभी बहुत दिनों से वो खाना मांगने के लिए नहीं आया। हाँ तोते भैया सही कह रहे हो, बहुत दिनों से कालू कौवा खाना मांगने के लिए नहीं आया। हाँ वाकई सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम इस तरह कालू कौवे के पास अगर जाएंगे तो वो साफ इनकार कर देगा। हम लोग अब ऐसा करते हैं, मेरे घर पर हम तीनों मिलकर नजर रखेंगे। जैसे ही कालू कौवा खाना चोरी करने के लिए आएगा, हम लोग उसे पकड़ लेंगे। तोता सुबह शाम अपने घर से चीनू के घर पे नजर रखे हुए था। कबूतर भी छुप कर चीनू के घर का पहरा दे रहा था। कुछ दिन बाद जब कालू कौवे का खाना खत्म हो जाता है तो वो चीनू चिड़िया के घर से खाना चुराने के लिए आता है। जैसे ही चीनू चिड़िया घर से बाहर निकलती है, कौवा उसके घर में घुस के सारा खाना चोरी कर लेता है। अभी वो चीनू चिड़िया के घर से भागने ही वाला था कि उसके घर के बाहर तोता और कबूतर पहुंच गए और साथ ही चीनू चिड़िया भी आ गई। अरे कालू, तुझे जरा शर्म नहीं आई हमारा खाना चोरी करते हुए? अब तू बचकर कहाँ जाएगा? वो तीनों मिलकर उसकी बहुत पिटाई करते हैं, मार मार कर वो कालू का बुरा हाल कर देते हैं। कालू तो हर सर्दियों में ऐसा ही करता है, ना अपना पक्का घर बनाता है ना अपने लिए खाना इकट्ठा करता है, बस दूसरों से ही खाना मांगता रहता है। लेकिन इस बार तो इसने हद ही कर दी, हमारा सारा खाना चोरी करके खा गया। हाँ तोते भैया सही कह रहे हैं, इस बार तो कालू को माफी नहीं मिलेगी। कालू अब जब तक तुम हमें खाना इकट्ठा करके नहीं दोगे, तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। इधर जब बहुत वक्त गुजर जाता है तो बबली कौवी कालू कौवे को ढूंढती हुई वहाँ पहुँचती है। कालू की बुरी हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। अरे कालू जी आपको क्या हुआ? मेरे कालू जी के साथ क्या हुआ है? आपकी ये हालत कैसे हुई? अरे तुम्हारे कालू जी ने हमारा सारा खाना चोरी करके खा दिया। हमने इतनी मेहनत से खाना इकट्ठा किया था और ये सारा का सारा खाना चुरा कर खा गया।
क्या कालू जी, आप मुझे चोरी का खाना खिलाते रहे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं एक चोर के साथ मजीद जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर बबली कौवे भी कालू कौवे को छोड़कर चली जाती है। चलो कालू के बच्चे, आज से काम पर लगो। कालू भैया, आपको याद है वो पिछली घाटी वाला जंगल जहाँ हम पिछले साल गए थे? हाँ हाँ, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने तो हमारा बहुत ख्याल रखा था। वो तो बहुत मेहमान नवाज हैं। हाँ बिल्कुल कव्वे भैया, वो बहुत मेहमान नवाज हैं। उन्होंने अपनी बार हमारा बहुत ख्याल रखा था। अब वो शाम को हमारे घर आ रहे हैं। हमें भी उनका उसी तरह से ख्याल रखना होगा। क्या सच में काली घाटी वाले परिंदे आ रहे हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें तो बहुत सारा इंतजाम करना चाहिए था। बस कव्वे भैया, अभी अभी ही पता चला है मुझे, उनके जंगल में सैलाब आया हुआ है, इसलिए वो 3 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। अब तो हमें फौरन से सारा इंतजाम करना होगा। हाँ कालू भैया, मेरे ख्याल से हम लोग खिचड़ी बना लेते हैं। आप चावल ले आइए और मैं दाल ले आती हूँ, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी से करना होगा। हाँ चिड़िया ठीक कह रही हो, तुम जाके दाल ले आओ, मैं चावल देखता हूँ। चिड़िया जल्दी से दाल लेने चली जाती है, लेकिन कालू कौवा चावल लेके आने की बजाय वहीं बैठा सो जाता है। हाँ ये रही चने की दाल, मैं जानती थी यहाँ से चने की दाल जरूर मिल जाएगी। ये कहकर चिड़िया दाल लेकर घर की तरफ चली जाती है। वो जाकर देखती है कि कालू कौवा सो रहा है। कालू भैया आप सो रहे हैं? अरे अरे क्या हो गया, क्या हो गया? कालू भैया, मैंने आपसे बोला था कि आप चावल ले आए, हम पहले ही लेट हो रहे हैं। मैं तो दाल ले आई हूँ, लेकिन आप अभी तक चावल नहीं लेकर आए। हाँ चिड़िया, मेरी जरा आँख लग गई थी, लेकिन तुम मुझे ये तो बताकर ही नहीं गई कि चावल लाने कहाँ से है। कालू भैया कैसी बातें कर रहे हैं, चावल कहीं से ढूंढ कर ही लाने थे, जैसे हम सब परिंदे खाना ढूंढते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा कि चावल कहाँ से मिलेंगे। चलिए ठीक है कालू भैया, आप आग जलाएं, मैं चावल लेकर आती हूँ। कालू आग जलाकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। चिड़िया चावल लेकर आ जाती है और खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है। अरे चीनू, ये तो बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही है, लगता है खिचड़ी बहुत ही मजेदार बनेगी। हाँ कालू भैया, लग तो रहा है, अल्लाह करे कि खिचड़ी अच्छी भी बने, ताकि मेहमान ठीक से पेट भर कर खाना खाएं और खुश हो जाएं। कव्वे भैया, खिचड़ी तो तैयार हो गई है, लेकिन अब हमें उनके रहने का बंदोबस्त करना होगा। मैं ऐसा करती हूँ, उनके रहने का बंदोबस्त कर लेती हूँ। कुछ लकड़ियाँ जोड़कर अच्छा सा एक घर बना लेती हूँ, जहाँ वो सब बहुत आराम से रह सके। आप खिचड़ी का ध्यान रखें, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर चिड़िया मेहमानों के रहने का बंदोबस्त करने के लिए चली जाती है। खिचड़ी बहुत ही मजेदार लग रही है, क्यों ना थोड़ी सी खिचड़ी ही खा लूं? ये सोचकर वो खिचड़ी खाने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है, नहीं नहीं ये खिचड़ी तो मेहमानों के लिए है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी खिचड़ी चख ही लेता हूँ, क्या पता मेहमानों से खिचड़ी बचे भी या नहीं, बस थोड़ी सी चख लेता हूँ कि कैसी बनी है। ये सोचकर कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है, लेकिन खिचड़ी इतनी मजेदार थी कि कालू कौवा बस खिचड़ी खाता ही जाता है, उसे तब पता चलता है जब खिचड़ी खत्म हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो सारी की सारी खिचड़ी खा दी, अब मेहमानों को क्या देंगे? और चीनू चिड़िया तो मुझे जान से मार देगी, वो बहुत गुस्सा करेगी। उसके जहन में एक आइडिया आता है और वो दरख्त के साथ सो जाता है। इधर जब चीनू चिड़िया वापिस आती है तो वो शोर मचा देती है। कालू भैया क्या खिचड़ी आपने खाई है? सारी की सारी खिचड़ी नजर नहीं आ रही।
अरे ये क्या हो गया, मेरी तो जरा आंख लग गई थी और मैं सो गया था। मुझे तो पता है कि खिचड़ी मेहमानों के लिए बनाई थी, मैं क्यों खाऊंगा भला। मुझे लगता है जंगल के परिंदे आकर खा गए, मैं तो सो गया था। अरे कालू भैया ये तो बहुत गलत हुआ, अब हम मेहमानों को क्या देंगे, कितनी शर्मिंदगी होगी, अपनी बार उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा था। चलो चिड़िया अब क्या हो सकता है, अच्छा तुमने उनके रहने का बंदोबस्त कर लिया है। हाँ कब्बे भैया मैंने उनके रहने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन मुझे तो सोच सोच के शर्मिंदगी हो रही है, जब वो आएंगे तो हम लोग उन्हें क्या देंगे। अच्छा चीनू तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा करना तुम उन्हें बातों में लगाना और मैं जाकर कुछ फल फ्रूट ले आऊंगा। हाँ ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो उनको देना ही है ना। इतने में काली घाटी के परिंदे पहुंच जाते हैं। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर, आप लोगों को आने में परेशानी तो नहीं हुई ना। नहीं नहीं चीनू, परेशानी वाली क्या बात है, अपना ही जंगल है ये भी, बचपन में तो हम यहाँ बहुत आया करते थे अम्मी अप्पा के साथ, लेकिन जब से बड़े हुए हैं कामों में ऐसे मसरूफ हुए कि दोबारा आने का कभी मौका ही नहीं मिला, लेकिन अभी आए हैं तो देखकर बहुत खुशी हो रही है, बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। और भाई तोते तुम सुनाओ कितने बड़े हो गए हो, तुम्हें तो छोटा सा देखा था पिछले साल। जी कवे अंकल मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वो लोग इसी तरह आपस में बातें कर रहे थे। चीनू चिड़िया अंदर से बहुत शर्मिंदा हो रही थी, वो सोच रही थी कि मेहमानों को क्या दूं। अरे चीनू चिड़िया तुम इतनी खामोश क्यों हो गई हो, क्या बात है तुम जरा परेशान भी लग रही हो। दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ, आप लोगों के लिए मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई थी, लेकिन जंगल के कोई परिंदे आकर खा गए, कालू कौवा सो रहा था और मैं आपके रहने का बंदोबस्त करने के लिए गई थी। अरे चीनू इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, हम सब मिलके खाने पीने का बंदोबस्त कर लेंगे, परेशान होने वाली तो इसमें कोई बात नहीं, और तुम शर्मिंदा तो बिल्कुल भी ना हो। चीनू चिड़िया चुपके से कौवे के कान में कहती है, कौवे भैया अब जाकर ले आए ना जो आप फ्रूट लाने का कह रहे थे, मेहमान कब से ऐसे ही खड़े हैं। हाँ हाँ चीनू चिड़िया मैं अभी लेकर आता हूँ। कौवा फ्रूट लेने के लिए जाने लगता है, थोड़ी सी दूर उड़ के वो नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मेरा पेट दर्द से फट जाएगा, चीनू चिड़िया कुछ करो। सभी परिंदे बहुत परेशान हो जाते हैं और कौवे के आसपास जमा हो जाते हैं। अरे कौवे भैया क्या हो गया आपको, उसकी तबीयत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। हाँ चीनू बहुत दर्द हो रही है, बहुत ज्यादा मेरा पेट। सोनी बाजी आप तो डॉक्टर हैं, आप देखिए ना कौवे को क्या हुआ। कालू की हालत देखकर तो लग रहा है कि इसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, इसीलिए इसके पेट में इतना दर्द हो रहा है। कालू तुमने सुबह से क्या कुछ खाया है। अरे सोनी बाजी हम लोग तो सुबह से भूखे हैं, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, बस एक खिचड़ी बनाई थी और वो भी कोई परिंदा आगे खा गया। फिर भी कालू तुमने कुछ तो खाया होगा, ऐसे तो इतनी पेट में दर्द नहीं होती। कालू ने तो खिचड़ी खाई हुई थी लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता था। अरे नहीं मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चीनू चिड़िया तो मेरे साथ ही है सुबह से, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। अच्छा फिर तो कोई बड़ा मसला ही होगा, मेरे ख्याल से कालू कौवे को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, डॉक्टर इसका मेदा वाश करेंगे और इसे इंजेक्शन लगाएंगे, फिर ही ये ठीक होगा। अरे नहीं नहीं मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मेदा वाश करने में तो बहुत ही ज्यादा दर्द होती है। अब कालू को मजबूरन बताना पड़ता है कि खिचड़ी उसने ही खाई थी। दरअसल खिचड़ी किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खाई थी, मैंने सारी की सारी खिचड़ी ही खा दी, खिचड़ी थी ही इतनी मजेदार, मुझसे देखकर रहने नहीं हुआ और मैंने सारी की सारी ही खा दी। कौवे की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अच्छा तो ये बात है कौवे भैया, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, आप पहले ही बता देते। सोनू बाजी उसे पेट दर्द की दवा दे देती हैं और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, लेकिन वो मेहमानों के सामने इतना शर्मिंदा था कि उनसे नजरें ही नहीं मिला पा रहा था।
बच्चे भी बार बार उसको चिढ़ा रहे थे। कव्वे अंकल ने मेहमानों की खिचड़ी खा दी, कव्वे अंकल ने मेहमानों की खिचड़ी खा दी। Thank you.